नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विकास दुबे की कथित मुठभेड़ में मौत और उससे पहले 8 पुलिस वालों के मारे जाने के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसे लोग पनपते कैसे हैं और किस तरह वे अपराध के नए नए कीर्तिमान कायम करते जाते हैं। यह साफ दिखाई देता है, कभी दबंग, कभी बाहुबली और कभी रॉबिन हुड कहे जाने वाले ये माफिया डॉन एक खास तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक खास ढंग से ही उनका अंत भी होता है। इसका पैटर्न एक ही जैसा है। ये अपराधी किसी एक संसाधन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा जमाते हैं। मामला कहीं जमीन, कहीं रेत, कहीं रेलवे के ठेके, कहीं मछली पकड़ने तो कहीं कोयला निकालने का होता है। अवैध धंधा चलाने के लिए राजनीतिक संरक्षण चाहिए होता है, जबकि राजनेता चुनाव जीतने के लिए इनके बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अक्सर जाति का एंगल भी शामिल होता है। कई बार ये माफिया सरगना कई सीटों पर चुनाव जितवाने और हरवाने की हैसियत रखते हैं। ये माफिया सरगना पार्टियों के प्रति वफादारी कर सत्ता में बदलाव के साथ बदलते रहते हैं। उनकी गाड़ियों पर अक्सर उन्हीं पार्टियों के झंडे होते हैं जो सत्ता में होती है। ये या तो गैंगवार में मारे जाते हैं या पुलिस मुठभेड़ में, जो कभी असली होती है तो कभी नकली। अब ज्यादातर माफिया सरगना राजनीति में आकर लंबे वक्त तक अपनी दौलत और जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ताजा कथित मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि विकास दुबे प्रकरण में कई बड़े नेताओं के नाम आ सकते थे, लेकिन विकास दुबे की मौत के साथ ही अब ये सारे राज दब गए। यही कहते हुए मुख्य विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाई गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। इस तरह की घटनाओं के बाद अक्सर यही सवाल उठता है कि अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी पर नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों पर उठते रहे हैं। ताजा मामले में भी अगर विकास दुबे की राजनीतिक कुंडली खंगाली जाए, जिनके सिर पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे करीब 60 मुकदमे दर्ज थे, तो पाएंगे कि भले ही वो किसी दल के सक्रिय सदस्य ना रहा हो, लेकिन उनके रिश्ते लगभग सभी पार्टियों से थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह भी कहते हैं कि अपराधियों और राजनीतिक दलों का गठजोड़ किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार के डीजीपी भी कह चुके हैं कि जब तक लोग जाति मजहब के नाम पर अपराधियों का साथ देते रहेंगे, अपराध होता रहेगा, माफिया पैदा होते रहेंगे। 1993 की बोहरा समिति की रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं, जिसमें अपराधियों, नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था और कहा गया था कि ये गठजोड़ समाज के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है और इसको तोड़ने की जरूरत है। लेकिन ये सच है कि इसे तोड़ने के लिए आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। नतीजा सामने है, बाहुबलियों का दबदबा राजनीति में बढ़ता जा रहा है। ये बाहुबली अब कास्ट हीरो बन गए हैं। ये बात कहां किसी से छुपी हुई है कि माफिया, अपराधी और राजनीतिक दल कई तरह से एक दूसरे के काम आते हैं। कास्ट हीरो बन जाने के कारण राजनीतिक दलों में माफिया और बाहुबलियों की उपयोगिता बढ़ गई है। चुनाव जीतने में और जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। इनके पास पैसा, बाहुबल और कभी जातीय समीकरण भी ऐसा फिट बैठता है कि नेताओं के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए नेताओं के चुनाव जीतने के बाद ये अपने योगदान की वसूली भी करते हैं। मुख्य तौर पर ये माफिया, बाहुबली और अपराधी शराब, जमीन, कोयला, रेत, गिट्टी, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में फैले अपने व्यापार के जरिए उगाही करते हैं। जानकारों का मानना है कि बिना राजनीतिक सह के ये लोग नहीं पनप सकते। यही वजह है कि अब ये खुद राजनीति में कूद रहे हैं। इनकी आपराधिक छवि के बावजूद राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए पार्टियां इन्हें चुनाव में टिकट भी देती हैं। स्थानीय लोगों पर भी इन लोगों का प्रभाव होता है, क्योंकि ज्यादातर माफिया अपनी धर्मपरायण और परोपकारी छवि का प्रचार करते हैं। बाहुबलियों के कामकाज का तकनीकी विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बड़ा माफिया बनने और लोगों के बीच रॉबिन हुड का इमेज बनाने के लिए सबसे पहले पैसा उगाही जरूरी है। इसके लिए माफिया कई रास्ते अपनाते हैं। वो टेलीकॉम टावरों, कोयला, बिजली, रेलवे और स्थानीय सरकारी कामकाज के ठेके पर कब्जा करते हैं। कोयला, शराब और सरकारी टेंडर से पैसे बनाते हैं। गिट्टी, सड़क, रेता और जमीन से पैसा कमाने वाले अपराधी धनबल और बाहुबल दोनों में काफी मजबूत हो जाते हैं। पुलिस और माफिया के बीच की साठगांठ किसी से छुपी हुई नहीं है। पुलिस की मदद से ही अपना दबदबा और बढ़ा लेते हैं। पुलिस वाले अगर इनकी बात नहीं माने तो उसके तबादले करा देते हैं। राजनीतिक गठजोड़ की वजह से ज्यादातर पुलिस वाले इनके खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। इनके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो जातीय समीकरण बिगड़ता है, तो कहीं राजनीतिक समीकरण
सबसे अहम बात यह है कि जब तक राजनीति के रंग ढंग नहीं बदलेंगे तब तक विकास दुबे, शहाबुद्दीन, पप्पू पांडे, अनंत सिंह, रामा सिंह और सूरजभान सिंह जैसे किरदार यूपी बिहार के राजनीतिक रंगमंच पर पैदा होते रहेंगे। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।